ओके देन, तो आज का जो हमारा टॉपिक है किशन, वो ये है कि व्हाट आर द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। तो एक्चुअली मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो हम लोग बहुत ही जनरल व्यू में हम लोग ये जानते हैं कि मार्केटिंग का मतलब होता है चीजों को कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बेचना। मतलब आप कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का। कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को दोबारा तभी खरीदेगा जब आपका प्रोडक्ट उसके जो भी नीड्स एंड डिमांड्स है उसको वो सेटिस्फाई कर पाए। अगर आपका प्रोडक्ट में दम होगा तो वो डेफिनेटली दोबारा वो खरीदेगा। तो अभी के टाइम पे जो है मार्केटिंग का इस्तेमाल इसी चीज के लिए किया जाता है, ठीक है ना, ताकि आप उस कस्टमर को, कंज्यूमर को ऐसे प्रोडक्ट्स दें जो कि उनके कस्टमाइजेशन के हिसाब से हो, जो उनको चाहिए वो उनको मिले। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, पहले के टाइम पे दूसरा कंसेप्ट चलता था। अभी के टाइम पे मार्केटिंग का कंसेप्ट है, और अभी रिसेंट जो चल रहा है वो सोसाइटल कंसेप्ट है। मार्केटिंग तो करना ही है, साथ ही साथ आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट जो है कैसे कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते आया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और ओरिएंटेशंस दैट गाइड ऑर्गेनाइजेशंस इन देयर मार्केटिंग एफर्ट्स, है ना। तो मार्केटिंग जो होता है वो एक तरीके से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं कि उनको अपना मार्केटिंग एफर्ट किस तरीके से लगाना है। अब ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये अलग अलग है, टोटल 5 तरीके के कॉन्सेप्ट आई गेस यहाँ पे हैं, एज ऑफ नाउ 5 ही होते हैं। तो इन्हीं 5ों के बारे में हम एक एक करके करेंगे। दीज कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट डिफरेंट फिलोसफीज अबाउट हाउ टू अप्रोच एंड कंडक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक्चुअली डिफरेंट फिलोसफीज हैं। जैसे कि सपोज मैंने बोला कि मार्केटिंग जो है हम बाद में करेंगे, पहले प्रोडक्ट को बना लेते हैं फिर उसको सेल करेंगे, और मार्केटिंग के बारे में बाद में सोचा जाएगा। कोई दूसरा बंदा है, उसकी फिलोसफी है कि नहीं, प्रोडक्ट बाद में बनेगा, पहले मार्केट चल के देखते हैं कि लोगों को कैसा प्रोडक्ट पसंद है, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये ना डिफरेंट फिलोसफीज का कंसेप्ट है। कंसेप्ट जो है ये डिफरेंट फिलोसफीज हैं जिसमें ये कहा गया है कि आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे कस्टमर को या अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज को, ठीक है। द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी कैन बी समराइज थ्रू 5 स्टेजेस। पहला स्टेज है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। तो पहले के जमाने में, काफी टाइम पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पे लोग क्या करते थे ना कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बना के रख देते थे। वो लोग ना ही उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते थे, ना ही ये सोचते थे कि हम जितना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, वो भी वो लोग नहीं सोचते थे। वो बस प्रोडक्ट बना देते थे, उनको लगता था कि मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा, मार्केट ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, उनका फायदा हो गया। लेकिन वो ये नहीं हाँ, जैसे सोचते कि थे सब कि अगर हम, नमक को तो रखते हैं, जी जैसे जी जी पहले जमाने में नमक मिलता था सर से हाँ, मोटा मोटा पहले सा। वो लोग उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते थे। वो लोग ये नहीं सोचते थे कि कस्टमर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है ना। तो पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेशन के ऊपर जो है काम चलता था, बस प्रोडक्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सामान तो बिक ही जाएगा, ऐसा था। यहाँ देखो लिखा हुआ, इन द अर्ली स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द फोकस वाज ऑन प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कि आप किस तरीके से अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक दिन में 10 बना रहे हैं तो आप ऐसा क्या करें जो आपका प्रोडक्शन जो है 10 से 15, 15 से 20 हो जाए। तो सिर्फ मास प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एफिशिएंसी के ऊपर जो है उस टाइम पे ध्यान दिया जाता था। कंपनीज बिलीव दैट कंज्यूमर्स वुड प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट वेयर वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। उस टाइम पे जो कंपनीज होती थी उनको ऐसा लगता था कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि वाइडली अवेलेबल हैं, सभी के लिए अवेलेबल हैं और हर जगह पे मिलते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो लोग खरीदना पसंद करेंगे या चाहेंगे, है ना। तो ये उनका कंसेप्ट था उस टाइम पे। द की क्वेश्चन वॉज हाउ कैन वी प्रोड्यूस मोर इफिशियंटली। उस टाइम पे क्वेश्चन जो मेन हुआ करता था वो ये था कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से और बेहतर बना, मतलब किस तरीके से और ज्यादा इफिशियंटली और ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। मार्केटिंग एफर्ट्स वेर लिमिटेड एंड इम्फेसिस वॉज ऑन द प्रोड्यूसिंग एज मच एज पॉसिबल। उस टाइम पे मार्केटिंग जो है ज्यादा होता नहीं था, लिमिटेड था, और जो मेन इम्फेसिस था, जो सारा का सारा ध्यान था, वो इस चीज में था कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्ट को रेडी कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है। सेकंड जो ओरिएंटेशन आया, जब प्रोडक्शन ओरिएंटेशन एक तरीके से धीमा पड़ने लगा, लोगों को पता चला कि भाई ऐसे तो प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है लेकिन लोग दोबारा नहीं खरीद रहे हमारे प्रोडक्ट, तब उन लोगों ने क्या किया, कंपनीज ने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट को वो लोग अच्छा बनाने लगे, अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटी का बनाने लगे। तो अगला जो कंसेप्ट आया वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का आया, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का आया। एज कॉम्पिटिशन इंक्रीज, जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ा,
एंड मार्केट बिकेम मोर क्राउडेड, मार्केट जो है बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया कंपनीज के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। तो कंपनीज रियलाइज दैट दे नीड टू डिफरेंशिएट देयर ऑफरिंग्स, उनको ये रियलाइज हुआ कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसमें कुछ उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कुछ एक ऐसा फैक्टर डालना होगा, कुछ एक चीज आपको डिफरेंट करना होगा जिसके जरिए वो आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से अलग लगे, बेहतर लगे, यस तभी लोग आपके प्रोडक्ट को बेहतर खरीदेंगे, है ना। तो वो अब सोच जो है वो आ गया था। द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन फिलोसफी इमर्ज फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी फीचर्स एंड परफॉर्मेंस, है ना। यही मैं बता रहा था कि अब जो है ध्यान जाने लगा प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, उसके फीचर्स के ऊपर कि क्या क्या फायदे हैं इसको लेने के, और उसका परफॉर्मेंस कहता है कि उसकी लॉन्गेजिविटी कितनी है, वो कितने दिनों तक चल जाएगा, इस तरह का फैक्टर जो है कंपनीज के दिमाग में आने लगा। द की क्वेश्चन बिकेम हाउ कैन वी इम्प्रूव आर प्रोडक्ट्स। अब जो क्वेश्चन है वो मेन क्या हो गया, अब हो गया कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाएंगे। मार्केटिंग एफर्ट्स फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट इनोवेशन एंड हाईलाइटिंग प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। वो अब आज के टाइम में भी ये होता है, जब जब देखना ओप्पो का कोई नया फोन रिलीज होता है किशन, या फिर वीवो का कोई नया फोन रिलीज होता है, तो देखना वो लोग एड बहुत करते हैं, 64 मेगापिक्सल, तो 100 मेगापिक्सल, तो 108 मेगापिक्सल। तो वो अपने प्रोडक्ट को ना एक डिफरेंट चीज बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इतने का कैमरा है ना। तो प्रोडक्ट राइट की सर, क्वालिटी के राइट ऊपर, उसके इसके ऊपर अभी भी इस तरह के जो है मार्केटिंग की जाती है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के ऊपर, सर, एड आता है ठीक है सर। जी। हाँ क्या क्या मैं बोला एड आता है, जैसे भी नया कोई मोबाइल लॉन्च हो रहा है ना, तो उसका एड आता रहता है, मोबाइल पे हाँ बताते हाँ रहता है हाँ कि हमेशा कुछ ना कुछ नया क्वालिटी आते रहेगा, और बताया जाएगा कि आपको इस प्रोडक्ट इस फोन में ये मिलेगा, उस फोन में वो मिलेगा, इस वाले फोन में पिछले राइट वाले से सर, ज्यादा फीचर्स है, ऐसे करके, फीचर्स ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है सेलिंग ओरिएंटेशन। सेलिंग ओरिएंटेशन जो ओरिएंटेशन है ये थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ, मतलब वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो काफी पहले की बात हो गई, 1800 के आसपास की। आप जो मिड 20th सेंचुरी है, मतलब मैं 1950 की बात कर रहा हूँ, 1950 के आसपास तक आते आते सेलिंग ओरिएंटेशन जो है लोगों के दिमाग में आ गया था। अब उनके दिमाग में था कि हम अपने प्रोडक्ट को कितना ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेच सकते हैं। आपने प्रोडक्ट तो बेहतर बना ही लिया है, तो जब आपने प्रोडक्ट बेहतर बना लिया तो डेफिनेटली लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में ये भी है कि आपको अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचना है, तो आप सेलिंग में क्या करेंगे, आप डिफरेंट तरह का यू नो ऑफर चलाएंगे, है ना, कि भाई एक के साथ एक फ्री या इस तरीके का। तो सेलिंग ओरिएंटेशन में एक्चुअली मेन ध्यान ये था कि कितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। पहले वाले में था कितना ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है, दूसरे वाले में उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया गया, और तीसरे में ध्यान दिया गया कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप बेच सकते हो। सो बाय द सकते हैं मिड ऑफर ट्वेंटी देके। सेंचुरी यस, मार्केट्स बिकेम इवन मोर कॉम्पिटिटिव, मार्केट जो है और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया, और कंपनीज को फेस करना पड़ा चैलेंजेस इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने में उनको डिफरेंट चैलेंजेस जो है फेस करना पड़ा, ठीक है। द सेलिंग ओरिएंटेशन फिलोसफी इम्फेसिस एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन टू परसुएड कस्टमर्स टू बाय, है ना। सेलिंग ओरिएंटेशन का मतलब ये एक ऐसी फिलोसफी जहां पे आप एग्रेसिव सेलिंग करते हो, लोगों को जबरदस्ती बेचने की कोशिश करते हो। इतना ज्यादा मतलब प्रचार होता है, इतना ज्यादा मतलब खर्च हो जाता है मार्केटिंग के ऊपर, मतलब आप एग्रेसिव हो बहुत ज्यादा, है ना। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि उनके उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मार्केटिंग नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान कम, सेलिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान जा रहा था। तो मार्केटिंग के ऊपर काफी खर्च इस टाइम पे होता था, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने के ऊपर था, लोगों को परसू करना, प्रमोशन करना, डिफरेंट ऑफर्स वगैरह देना, इस तरीके से चीजें। द की क्वेश्चन शिफ्टेड हाउ कैन वी सेल मोर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं। मार्केटिंग एफर्ट्स सेंटर्ड अराउंड सेल टेक्निक्स, आप कैसे किस तरीके से आप बेचोगे, एडवर्टाइजिंग एंड परसुएशन। परसुएशन मतलब एक तरीके से लोगों को एनकरेज करना, आप किस तरीके से परसू करोगे, है ना, वो चीज। राइट सर, चौथा जो हमारा ओरिएंटेशन है वो है मार्केटिंग ओरिएंटेशन। ये मार्केटिंग अभी के टाइम पे बहुत चलता है, मार्केटिंग ओरिएंटेशन काफी चलता है, सोसाइटल भी स्टार्ट हो गया है, ऑलमोस्ट काफी हद तक फैल गया है बड़े बड़े देशों में, इंडिया में धीरे धीरे हो रहा है, बट सून वो भी जो है पूरा पूरी तरीके से फैल जाएगा। मार्केटिंग ओरिएंटेशन में लोगों का जो है थोड़ा सा दिमाग बदला, अब उन लोगों ने सोचा कि चलो भाई हर एक तरह का चीज ट्राई कर लिए, अभी भी मेरा जो ग्रोथ है वो उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मार्केटिंग करेंगे जो कस्टमर का डिमांड होगा, जो जिस तरह का प्रोडक्ट उसको चाहिए होगा उस तरह का उसको बना करके हम देंगे।
मतलब कस्टमाइज करके देंगे, जिससे जो है कस्टमर को ज्यादा कस्टमर अच्छा लगे और वो रिक्वायरमेंट दोबारा के आपसे हिसाब प्रोडक्ट खरीदे। हाँ किशन क्या बोला आप? से, मैं बोला कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे जिस तरह से उनको पसंद आए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा उनको पसंद आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो मार्केटिंग ओरिएंटेशन में ये हो गया। तो मार्केटिंग ओरिएंटेशन फिलॉसफी मार्क अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द अप्रोच टू मार्केटिंग। फोर्थ सिग्निफिकेंट अब यहाँ पे चेंज हो गया, पॉइंट यहाँ पे कंज्यूमर को किंग बना दिया गया। बोलता है ना सर, फोर्थ कंज्यूमर इज पॉइंट किंग। लिख रहा जी किशन, है, फोर्थ पॉइंट लिख रहा है आप, आवाज फोर्थ आपकी कट पॉइंट गई। नहीं दिख रहा है। मैं बोला कि फोर्थ पॉइंट नहीं दिख रहा है सर, फर्स्ट अभी हम लोगों ने सेलिंग ओरिएंटेशन तक हमको दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा है। पॉइंट अभी दिख रहा है? नंबर 3 तक दिख रहा है सर, नहीं फोर्थ नहीं दिख रहा है? ठीक फोर्थ है नहीं जरा दिख से रुकिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। रहा। यस सर, अब बताइए, फोर्थ हाँ सर, हाँ ठीक सर, है? अभी दिख रहा है। यस ठीक है आकांक्षा, आपने काफी लेट से ज्वाइन किया, आधा तकरीबन हो चुका है। रेस्ट अभी आप थोड़ा सुन लीजिए, इसके बाद में जब इसको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा मैं लिंक शेयर कर दूंगा, थोड़ा सुन लीजिएगा। ठीक है? ओके 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 ठीक सर, है। नाउ मार्केटिंग ओरिएंटेशन, वी वर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग ओरिएंटेशन। सो मार्केटिंग ओरिएंटेशन यू नो टॉक्स अबाउट एंड इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स एंड डिमांड्स सो दैट यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स मोर इफेक्टिवली एंड मोर इफिशिएंट। मार्केटिंग ओरिएंटेशन में जो आपका जो ध्यान है वो इस बात पे गया कि आप किस तरीके से कस्टमर की डिमांड को, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका सर, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, दोबारा वो आप ही के पास आएगा लेने के लिए, क्योंकि उसका जो मेन राइट काम है राइट वो हो जाता है ना। सो राइट मार्केटिंग सर, ये मैंने बताया, इट इम्फेसिस अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। यहाँ पे ध्यान दिया गया कि किस तरीके से आप कस्टमर की नीड्स को और उसकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। द की क्वेश्चन यहाँ पे बन यस गया, व्हाट व्हाट डू कस्टमर्स वांट एंड हाउ कैन वी सेटिस्फाई देयर नीड्स। यहाँ पे की क्वेश्चन हो गया, यस मतलब ये पता करने की कोशिश की जाने लगी कि कस्टमर्स को क्या चाहिए और किस तरीके से हम कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यस मार्केटिंग एफर्ट्स फोकस्ड ऑन मार्केटिंग रिसर्च, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू थ्रू टेलर्ड ऑफरिंग्स। ठीक है, सो मार्केटिंग जो एफर्ट था अब ध्यान चला गया किसके ऊपर, मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर, उस किस तरीके से मार्केट को टारगेट किया जाए। अब यहाँ पे मार्केट जो है ना सेगमेंट में बट गया, ये मतलब थोड़ा सा रिच लोगों का हो गया, वो थोड़ा सा लोअर वैल्यू क्लासेस का हो गया। अब जैसे कि फोन की अगर हम बात करें तो फोन तो बहुत सारा है मार्केट में, है ना, लेकिन आपको पहले, अभी देखना अभी भी फीचर फोन आता है जिसमें बटन्स वगैरह होते हैं, है ना, तो वो फोन एक्चुअली उनके लिए जो लो लो इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके लिए वो तैयार किया जाता है। कंपनीज को पता है कि जो रिच ले है, मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, रिच नहीं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं स्मार्टफोन वो तो खरीदेंगे, पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनका भी तो एक बहुत बड़ा बेस है इंडिया में। इंडिया में गरीबों की संख्या काफी है, तो लोग फोन के ऊपर उतना खर्च नहीं करेंगे, तो उनके लिए क्या है, फीचर फोन चाहे अभी भी चलता है बहुत, है ना। तो यहाँ मार्केट को सेगमेंट कर दिया गया कि भाई ये हो जाएगा जिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए, और ये हो जाएगा जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट को सेगमेंट किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है चीजें जो है अब आपकी हो रही है। मार्केट को आप सेगमेंट कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, है ना। जैसे कि यंग लोगों को गेम खेलना पसंद है, हम लोग गेम नहीं भी खेलेंगे तो चलेगा, मैं थोड़ा बहुत हालांकि कभी कभी खेल लेता हूँ, बट जो लोग क्लास इलेवन ट्वेल्थ अच्छा में है, कॉलेज में है, उनको बहुत गेम खेलना पसंद है, तो उनके लिए देखना अभी गेमिंग फोन का बहुत ऐड चलता है। फोन तो बहुत तरह का है लेकिन उसका प्रचार ही ऐसे होता है कि वो गेमिंग फोन है ना। तो कस्टमर का जी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसको टारगेट किया जा रहा है, क्रिएटिंग कस्टमर यस वैल्यू थ्रू टेलर्ड ऑफरिंग। टेलर्ड मतलब काट छांट करके जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बना करके आपको दिया जाए। दैट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग यस ओरिएंटेशन, और ये अभी चलता है, ये बहुत ही प्रेजेंट टाइम पे है। और सोसाइटल मार्केटिंग जो है अगला टॉपिक, इसके बारे में मैं बोलूंगा कि ये स्टार्ट हो गया है, इसका चलन इंडिया में स्टार्ट हो गया है, विदेशों में तो बहुत हद तक फैल चुका है ये जो चलन है सोसाइटल मार्केटिंग वाला। इसमें क्या होगा कि आप प्रोडक्ट तो यूज करोगे, बनाओगे, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो कि आपकी सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाए, सोसाइटी को किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, है ना। आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओगे जो कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रख करके वो सही है ना। दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग। इसको मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा। द सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन टेक्स इनटू अकाउंट नॉट ओनली कस्टमर नीड्स बट आल्सो द ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑन सोसाइटी, है ना। जो आप मार्केटिंग कर रहे हो उसका सोसाइटी के ऊपर क्या ध्यान होगा। जैसे अभी आप देखना कि बहुत ज्यादा पान मसाला वगैरह का एड चलता है
तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को, कि आप लोग पान मसाला का ऐड क्यों कर रहे हैं, है ना। इस तरह की चीजों का ऐड देखना आने वाले समय में बंद हो जाएगा, क्योंकि अब जो मार्केटिंग होगी वो सोसाइटल मार्केटिंग होगी, सोसाइटी को ध्यान में रख करके किया जाएगा। इंडिया में चूंकि बहुत बड़ा तबका है जो लोग जर्दा पान वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अभी भी ऐड ये चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोग थोड़ा बेहतर अफोर्ड करने लगेंगे और थोड़ी सी अवेयरनेस आएगी लोगों में, तो देखना वो चीज बंद हो जाएगी, है ना। तो ये चीज है, तो वो है नॉट ओनली कस्टमर नीड्स बट ऑल्सो ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑन सोसाइटी। इट कंसिडर्स एथिकल, इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें आपको एथिकल भी होना है, ठीक है ना। एथिकल मतलब आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचना है जिससे लोगों का नुकसान हो, ये आपका एथिक्स है। नुकसान एथिक्स का ना कोई रूल नहीं है, जो आप समझ लोगे कि ये सही है ये गलत है, वही आपका एथिक्स बन जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, मेरा काम जो है बिजनेस करना है, वो उनके एथिक्स है, उनका बिजनेस करना है। कई लोगों का ऐसा लगता है कि चलो बिजनेस तो करेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे कोई किसी आदमी का नुकसान हो, एनवायरनमेंट का नुकसान हो, तो ये उनका एथिक्स है। तो एथिक्स वेरी करता है, और एथिक्स एक्चुअली सही, जो जो सही है उसको एथिक्स बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे एथिकल चीजें होगी, इन्वायरमेंटल चीजें होंगी। ऐसे प्रोडक्ट आप बनाओगे जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ये पान मसाला वाला की बात कर रहा हूँ, अब अगर सेलिब्रिटीज अगर इसका खुले में ऐड करेंगे इस तरीके से, तो डेफिनेटली जो लोग हैं वो आकर्षित होंगे कि तो भाई सिगरेट पीना तो नॉर्मल है, पान मसाला तो एक्टर्स भी खाते हैं, हम लोग भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप अपना निभा नहीं रहे हो, है ना। तो इसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटल मार्केटिंग के ऊपर पड़ेगा। विदेशों में तो बहुत स्टार्ट हो चुका है, वहां तो चलता ही नहीं है। वहां आप अगर एक एलिमेंट कुछ यूज कर लोगे, कुछ भी अगर आप बोल दोगे ना, तो फिर तो बैन ही हो जाओगे आप, ऐसा वहां पे हो गया है। बट इंडिया में ये चलन अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे बदल रहा है। नाउ द क्वेश्चन एक्सपैंड टू, अभी ये क्वेश्चन नया जो आ गया वो ये आ गया, हाउ कैन वी सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स वाइल ऑल्सो बेनिफिटिंग सोसाइटी। हम किस तरीके से कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, एज वेल एज जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से हम लोग फायदा पहुंचा सकते हैं, अब ये क्वेश्चन जो है आ गया। हाँ, मार्केटिंग एफर्ट्स एम टू क्रिएट सस्टेनेबल सोशली रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशंस दैट डिलीवर लॉन्ग टर्म वैल्यू, है ना। जो मार्केटिंग एफर्ट्स था अब इस बात पे जाने लगा कि किस तरीके से आप सोशली रिस्पॉन्सिबल होकर के ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो कि सोशली अच्छे हैं, लोग उसका इस्तेमाल करें, और सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब जिसमें सारे चीजों की पूर्ति हो जाती हो, आपका डिमांड भी पूरा हो जाता हो, आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता हो, कंपनी अपना सामान भी बेच ले और उससे सोसाइटी का कोई नुकसान भी ना पहुंचे, दैट इज सस्टेनेबिलिटी, है ना। लॉन्ग टर्म में वही प्रोडक्ट अच्छा चल पाएगा जो सारे लोगों को सेटिस्फाई कर पाएगा, एनवायरनमेंट को भी अच्छा रख पाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी, ये सारी चीजें मैटर करेंगी, ठीक है ना। उसको एंड करते हैं, द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी रिफ्लेक्ट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोडक्शन सेंट्रिक फोकस टू अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच दैट कंसिडर सोशल वेलबींग। देखो यही यही चीज जो है ना बदलाव हो रहा है। वहां जो मार्केटिंग फिलोसफी है वो स्टार्टिंग में क्या था, प्रोडक्शन वाला था, लेकिन अभी के टाइम पे जो अप्रोच है वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, जहां पे आप सोसाइटी के बारे में भी सोच करके आप काम को कर रहे हैं। एज मार्केट्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव एंड कंज्यूमर्स प्रेफरेंस इवॉल्व, ऑर्गेनाइजेशंस रियलाइज दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। देखो ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ में आ गया है कि जो कस्टमर के नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करना जो है काफी ज्यादा जरूरी है। दिस इवोल्यूशन कंटिन्यूज एज मार्केटिंग अडैप्ट टू चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो जो भी चीजें, जो ये सारे देखो फैक्टर्स हैं, जो मार्केट डायनामिक्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, सोशल एक्सपेक्टेशंस, ये फैक्टर्स हैं जो कि आपके मार्केटिंग को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जब भी आप मार्केटिंग करोगे आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। टुडे द फोकस इज ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। अभी के टाइम पे जो ध्यान है वो कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप तैयार करने पे दिया जाता है। अब ध्यान देना ही पड़ेगा, अगर आप अच्छा रिलेशनशिप बना करके नहीं रखोगे तो वो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। और अभी के टाइम पे प्रोडक्ट की वैलिडिटी 1 साल 2 साल ज्यादा से ज्यादा, फिर लोगों को वो खरीदना ही है। तो आप जितना अच्छा रिलेशनशिप बना करके रखोगे आपका प्रोडक्ट उतना बिकेगा। तो अभी जो मेन फोकस है वो कंपनीज का वही है कि कितना अच्छा रिलेशनशिप तैयार किया जा सके। बार बार आपसे फीडबैक मांगा जाता है, सर्विस आपको बहुत अच्छी दी जाती है, जस्ट टू मेक अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी, है ना। एंड ड्राइविंग कस्टमर्स वैल्यू थ्रू इनोवेशन एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। इनोवेशन करना और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के कर रहे हो, सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, ब्ला ब्ला, उससे जो है सोसाइटी को फायदा होगा, कस्टमर को फायदा होगा, ओवरऑल जो कंट्री है उसको फायदा होगा। तो ये एक तरह का जो सोच है वो अभी
चल रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये तीसरा टॉपिक था, तीसरा क्वेश्चन है ये, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, MCO 6 का। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार यस पूछा सर, गया है, इसलिए मैं 2 नंबर नहीं बहुत कराया अभी, बढ़िया, बट देन डायरेक्ट 3 नंबर कराया है। ठीक है, ये लिंक मैं शेयर कर जी दूंगा, एंड कल मिलते हैं, कल सुबह जी मिलते सर, हैं। ठीक है, कल सुबह 8 बजे मिलते हैं, कैसा रहेगा? सर कल सर मॉर्निंग में तो मेरा क्लास होता है सर, 8 बजे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओ राइट 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 राइट, कल तो मॉर्निंग में आपकी क्लास है, ठीक है सर, देन कल दिन में शाम कभी में ही करते हैं, सेम टाइम भी, यस सर इवनिंग में सही है, इशर यस शाम सर, में। ओके ठीक यस यस सर, आई एम ओके सर, है ठीक है, ओके देन, ओके देन, फिर कल शाम में मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, ओके सर, सर पीडीएम ओके शेयर सर, कर दूँ। बाय।